अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कराने लगा हूँ एक्सियो 207 2007-2013 की जो इम्पोर्ट है, जैपनीज कार है, 1.5 है। इसका मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस और भी बताने लगा हूँ और आपको भी बताने लगा हूँ कि गाड़ी फॉर सेल है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। उसके लिए आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है और देखना भी। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है गाड़ी, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ अभी तक गाड़ी चली रही है 121,000 किलोमीटर। गाड़ी में आपको कोई भी डेंट कहीं पर भी टचिंग नजर नहीं आएगी। और ये जो मीटर आप चेक करें, मीटर पे आप नजर आ रहा है कि जी मीटर 120,726 किलोमीटर चली हुई है। फ्यूल एवरेज गाड़ी की बहुत अच्छी है, नया एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल्ड है, नहीं हुई है। ये पीछे से इसका बैक रोल देखें, बैक रूम इसका बड़ा जबरदस्त है। इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है, सबसे बढ़कर ये कि इसकी ड्राइव इस गाड़ी की बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ड्राइव बैटरी इंस्टॉल्ड है, ये ड्राइव बैटरी है गाड़ी की और नई बैटरी है ये। इंजन बेहतरीन कंडीशन में है, ये देखें गाड़ी की कुपे बिल्कुल जेन्युइन है, ये सारा कुछ जेन्युइन है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं विजिट करा रहा हूँ आपको इस गाड़ी का। ये है एक्सियो 2007 मॉडल, सिल्वर कलर की गाड़ी है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है गाड़ी, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ अभी तक गाड़ी चली हुई है 121,000 किलोमीटर। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की शेप बताऊंगा। जेन्युइन लाइट्स इसमें इंस्टॉल्ड है, HID इसमें लगी हुई है, इस्लामाबाद नंबर है, सिल्वर कलर है। और ये सारी गाड़ी का स्पेसिफिकेशन देखें यहाँ पे। टायर इसमें बिल्कुल जो है 100% टायर को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टायर जो है 50% एंड अबव है, आसानी जो है ये साल एक और निकाल सकते हैं ये टायर। ये सारी की सारी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है, ये यहाँ पे आप देखें। गाड़ी में आपको कोई भी डेंट कहीं पर भी टचिंग नजर नहीं आएगी। ये स्पॉइलर भी यहाँ पे पीछे लगा हुआ है, लाइट्स ओके हैं, लाइट में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे पेपर वर्क हुआ हुआ है। और ये यहाँ पे सारी की सारी गाड़ी आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले अगर मैं गाड़ी को अंदर से दिखाऊं, यहाँ पे हम आते हैं और ये जो मीटर आप चेक करें, मीटर पे आप नजर आ रहा है कि जी मीटर 120,726 किलोमीटर चली हुई है। फ्यूल एवरेज गाड़ी की बहुत अच्छी है, नया एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल्ड है और गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसमें डी और एस गियर दोनों है। इंटीरियर गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है, ये इंटीरियर आप चेक करें, ये सारा का सारा गाड़ी का इंटीरियर है ये। और गाड़ी की जो सीट्स है वो सीट्स में जो है सीट कवर लगे हुए हैं, और अगर ये सीट कवर हटते हैं तो इसके नीचे जेन्युइन सीट लगी हुई है जो कि इंटीरियर के साथ मैच करती है। गाड़ी कंप्लीटली जेन्युइन है, मैं अगेन रिपीट करूँगा, गाड़ी टोटल जेन्युइन गाड़ी है, इस पर कोई भी टचिंग वगैरह नहीं हुई हुई है। पीछे इसका बैक रूम देखें, बैक रूम इसका बड़ा ज़बरदस्त है और ये सीट्स वगैरह, सीट्स की बहुत कम्फर्टेबल है। इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है, सबसे बढ़कर ये कि इसकी ड्राइव इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है। मतलब आप कहीं पर भी जाते हैं और आपको पाकिस्तान की रोड्स का आपको पता है कि पाकिस्तान की रोड्स पे जब आप चलाते हैं गाड़ी तो आपको जंप और खट्टे बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, और जंप और खट्टों की जब भी आप बात करेंगे तो गाड़ी हिस्से का काम निकालती है। लेकिन एक्सियो की बेहतरीन बात यह है कि मैंने इसके हिस्से का काम आई गेस साल हो गया, शायद या 6-7 महीने साल हो गया मैंने कराया था, उसके बाद मुझे कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी। गाड़ी में एग्जैक्टली जो है ये ड्राइव बैटरी इंस्टॉल्ड है, ये ड्राइव बैटरी है गाड़ी की और नई बैटरी है ये। इंजन बेहतरीन कंडीशन में है, ये देखें गाड़ी की कुपे बिल्कुल जेन्युइन है, ये सारा कुछ जेन्युइन है, गाड़ी की सीलें तक जेन्युइन है और गाड़ी जबरदस्त कंडीशन में है, फॉर सेल है। गाड़ी इतनी बेहतरीन है कि सच पूछे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता इसको सेल आउट करने का, क्योंकि चलने में बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। और मैं कल भी सोच रहा था कि यार मैं इसको क्यों सेल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं सेल करना चाहिए। इस तरह की गाड़ी दोबारा नहीं मिलने लगी आज के मुकाबले की। GLI 1.3 किसी काम की नहीं है। अगर आप एक्सियो की बात करते हैं, एक्सियो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है और 14 की इसकी एवरेज है, 14 मेन पे ये रोड पे इन सिटी 14 करती है, और अगर आप अच्छे तरीके से चलाते हैं मोटरवे पे तो 17 से 18 की भी एवरेज ये देती है। जैपनीज एडिशन है, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। इस पर जो है 1 रुपये का भी काम नहीं है, कोई 1 रुपये का इस गाड़ी में काम नहीं है। और एक्सियो और ये जो है एक इसमें गाड़ी 4x4 होती है, 4x4 नहीं ये एक्स है, मतलब जो कि मार्केट की गाड़ी है और ये 4x4 नहीं है, इसकी एक होती है जिसके मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ओवरऑल जो है गाड़ी जो मार्केट की गाड़ी एक्सियो एक्स है जो कम पेट्रोल खाती है ये वो गाड़ी है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने आपको दिखाई है ये एक्सियो और गाड़ी जो है अवेलेबल फॉर सेल है, सस्ती गाड़ी है, टोटल जेन्युइन गाड़ी, शायद ही पिंडी इस्लामाबाद में किसी के पास इस वक्त अवेलेबल है। ये टोटल जेन्युइन गाड़ी अवेलेबल है, फॉर सेल है और इसकी डिमांड जो है 35 लाख रुपए है। आप जो है इसकी एक अच्छी ऑफर दे सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दोनों चल रहे हैं, आप इस गाड़ी का लिंक, वीडियो का लिंक मुझे भेज सकते हैं। और ये गाड़ी सबसे ज़बरदस्त अच्छी गाड़ी है
जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक चीज इसमें रह गई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि इसका जो डिगी है वो बहुत जबरदस्त है। इसमें जो स्पेस है बहुत ज्यादा है, मतलब GLI जितनी इसमें स्पेस है। और डिगी भी अगर आप देखते हैं, डिगी के भी सीले जो है कम्प्लीटली है, पूरी जो है गाड़ी जन्मन है, सारी सीलें आपको नजर आ रही हैं। गाड़ी कहीं से भी एक्सीडेंटेड गाड़ी नहीं है। ओवरऑल अपने मेजबान से ये बजाज को इजाजत दीजिएगा, अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।